नाश्ता बनाने के लिए वीडियो पे बने रहिए। मैंने कैसे बनाया इस नाश्ते को जरूर देखना। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सभी? तो देखिए, आज मैं बनाऊंगी यहाँ पर एक नया हेल्दी नाश्ता, जिसे मुझे सूजी से और बेसन से बनाना है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ मैं एक हेल्दी नाश्ता सूजी से और बेसन से। तो देखिए, उसके लिए हमने यहाँ पर ये आधा कप ले लिया है सूजी का, जिसे मैंने छान लिया है अच्छे से छन्नी में, और ये आधा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने बेसन और सूजी को मिक्स कर लेना है, इन्हें मैं मिक्स कर लूँगी। देखिए, मिक्स हो चुके हैं। देखिए, मैं यहाँ पे लूँगी एक चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर, और ये रेड चिली पाउडर। यहाँ पे आप स्वाद अनुसार ले सकते हो नमक, तो मैं यहाँ पे स्वाद अनुसार लूंगी नमक और इसको कर लूंगी मिक्स। आपको इसमें पानी डाल देना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, ज़्यादा डालोगे तो लम्स हो जाएंगी इसमें एकदम। तो मैं इसे धीरे धीरे से करके मिक्स कर लेती हूँ, एक अच्छा सा बैटर बना के तैयार करना है आपको। देखिए, हमारा बैटर बन चुका है, थोड़ा पानी और डाल लेते हैं इसमें। आपको इसे एकदम पतला नहीं करना है, आपको इस तरह का एक गोल बनाकर तैयार करना है। तो मैं इसे रख दूंगी एक मिनट के लिए ढककर, और उसके बाद में हम चलते हैं पैन की तरफ। तो देख लेते हैं, आ चुके हैं इंडेक्स पर, और यहाँ पे हमने इसको पैन को रख लिया है। पैन में रखेंगे हम, एक चम्मच डालेंगे इसमें ऑयल, ऑयल ले सकते हो आप यहाँ पर, चाहे तो आप कोई भी रिफाइंड ले सकते हो इसमें। मैं यहाँ पर दो चम्मच के करीब मैंने ऑयल को ले लिया है, इसे होने देंगे गरम। देखिए, यहाँ पे मैंने राई ले ली है, तो मैं इसमें डालूँगी राई। देखिए, एक ले ली है मैंने प्याज, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए, प्याज हमारी हो चुकी है फ्राई, तो हम अपने बैटर को डाल लेंगे पैन में, ये जो हमने इसे गरम किया है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा बैटर इस तरह से अच्छा हो चुका है, बनकर तैयार। तो मैं इसे डाल दूँगी पैन में। जब भी आप अपने घर पर ये नाश्ता बना रहे हो, तो हमेशा ये बात का ध्यान रखना कि आपको बैटर को एकदम परफेक्ट बनाना है, वरना आपका बैटर ख़राब हो जाएगा। तो देखिए, आपको इस तरह से इसे चलाते जाना है, जब तक ये हल्का सा एक गाढ़ा सा पेस्ट ना बन जाए। तो मैं इसे चलाती जाऊंगी लो फ्लेम पर, आते हुए मुझे एक मिनट हो चुका है, मैं इसे और पकाऊंगी। इसे आपको धीमी सी गैस कर उस पर पकाना है। अगर आप गैस पर पका रहे हो और इंडक्शन पर पका रहे हो, तो बिल्कुल नॉर्मल करना है आपको, ताकि इसमें जो बेसन है वो अच्छे से पक जाए। हमने इसमें बेसन लिया था, उसे भूना नहीं था, तो हमने उसमें कच्चा बेसन का इस्तेमाल किया है। तो आप भी इसमें इस तरह से हल्का सा भून लेना है आपको, ताकि अच्छा सा पेस्ट बन जाए। कि हमारा बैटर बनकर तैयार है। तो देखिए, आप भी अपने घर पर इस तरह का नाश्ता ज़रूर बनाना, बहुत कम समय में बन जाता है। देखिए, हमारा बैटर बनकर तैयार है, मैंने इसे 5-7 मिनट इस पे पका लिया है। पकाने के बाद आप देख सकते हो कितना अच्छा बनकर तैयार हो चुका है, देख सकते हो आप। अब हम चलते हैं, इसे बना लेते हैं। उतार लेती हूँ मैं इसे, इंडेक्स को कर देती हूँ बंद। तो इंडेक्स मैंने बंद कर दिया है, इसको आपको हल्का सा ठंडा करना है, ताकि आपके हाथ ना जले। देखिए, मैं इसे एक मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ इसमें, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाते हैं। देखिए, मैंने इस बैटर को इस पर ट्रांसफ़र कर दिया है, तो मैं आपको दिखाऊंगी
किस तरह आप हाथ की मदद से इस नाश्ते को अपने घर पर तैयार कर सकते हो, तो इसके लिए आप देख सकते हो बिल्कुल भी बर्तन में भी नहीं लगेगा। देखना आपको इसे अच्छे से इस तरह से बना लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पर इसे हाथ की मदद से ही सेट करूँगी। देखिए इसे मैंने सेट कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे कोई केक बाउल है वो आपके पास, तो केक बाउल में भी इसे सेट कर सकते हो। तो देखिए मैंने इसे हाथ की मदद से ही सेट कर लिया है। तो मैं आपको दिखाऊंगी इसके पीस काट करके, आपको इस तरह इसके पीस कट कर लेने हैं। आप चाहो तो इसे ज़्यादा भी बना सकते हो। मैं देखिए यहाँ पर मैंने पीस कट कर लिए हैं। तो देखिए मैंने पैन को रख लिया है और इंडक्शन को कर दिया है चालू। तो मैं इसमें डाल दूँगी ऑयल। ऑयल आप ज़्यादा मत डालना, बहुत कम ऑयल में बनकर तैयार हो जाती है हमारी ये डिश। तो यहाँ पर हमने ऑयल को ले लिया है, ऑयल को होने देते हैं गर्म। हम कर लेंगे चेक इस तरह का, बैटर इसमें डालेंगे। तो देखिए हमारा ऑयल अभी हुआ नहीं है गर्म, तो हम इसे गर्म होने देते हैं। अच्छा सा गर्म करना है आपको, हल्के गर्म पर आपको इसे नहीं डालना है। तो मैं इसे अच्छा गर्म होने देती हूँ, तब तक वेट करती हूँ। देखिए ऑयल हमारा हो चुका है गर्म, तो मैं इसमें सभी पीसों को डाल दूंगी। देखिए बहुत ही हेल्दी नाश्ता है और बहुत ही कम समय में बन जाता है। सिर्फ आपके किचन से ही सामान लगेगा, बाहर से आपको कोई भी सामान लाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं यहाँ पर सभी पीस डाल दूंगी इसमें। देखिए इस तरह का नाश्ता अपने घर जरूर बताना बनाकर। ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है। पलट कर आपको दिखाती हूँ। देखिए एक तरफ से सिक चुके हैं, तो मैं इन सभी को पलट लूँगी दूसरी तरफ से। देखिए मैंने पलट दिए हैं एक तरफ से, दूसरी तरफ से मैं इन्हें सिकने देती हूँ। नाश्ता बनके हमारा तैयार है, तो मैं इन्हें निकाल लूँगी। देखिए दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुके हैं, देख सकते हो आप। ये दोनों तरफ से मैंने सेक लिया है, तो मैंने निकाल लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। निकाल लेती हूँ मैं सभी को, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने किस तरह बनाकर तैयार किया है ये नाश्ता सूजी से और बेसन से। तो आप भी अपने घर पे इस तरह का नाश्ता ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी मेरी ये रेसिपी आपको।